लोग दम तोड़ देते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी, पौधे लगाइए, आपको वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जितना ये भाईचारा पहुंचा है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जन्मदिन पर आप सब ने इतना आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, ये आशीर्वाद और प्यार बनाए रखियो। और ये पौधे जो आज अपन लगाए हैं, एक दिन ऐसा होगा कि आप सब इनके फल खाओगे, इसे जगह पा के ना पूरे आगे। और कुछ बस बजा देंगे सारे। सियाज से सियाज नशे के बारे में बोल देना, सभी नशा ना करें, नशा मुक्त रहें। राखी वाला बोल दे बेटा, जी राखी वाला बता, राखी वाला बोल दे। हां ने बोल बहुत बहुत बधाई हो, बड़ी बधाई है, बोलो बेटे। नमस्कार, मेरा नाम सियाज पुनिया है और मैं एक एथलीट हूं। और हमारे हिसार के एडीजीपी श्रीकांत जाधव सर के साथ नशा मुक्त हरियाणा से मैं जुड़ी हूँ। सभी बहनों को बता है कि रक्षाबंधन आने वाला है, सभी बहनें अपने भाई को राखी बांधेंगी। लेकिन इस बार मैं चाहती हूँ कि कोई भी बहन अपने भाई से न कोई चॉकलेट लेंगी, न कोई पैसे लेंगी और न ही कोई गिफ्ट लेंगी। अब की बार आप हमारे हुआ भाई से एक प्रॉमिस लोगी, वो प्रॉमिस क्या होगा कि भाई ना ही तो तू कभी नशा करेगा और ना ही नशा करने वालों के पास बैठेगा। यकीन मानिए, इससे बड़ा गिफ्ट हम बहनों के लिए राखी पे और कोई भी नहीं हो सकता। क्योंकि जब हमारा भाई स्वस्थ और हेल्दी रहेगा, जब भी तो हमारी रक्षा करेगा। और मैं देखना चाहती हूँ कि कितनी बहनें अपने भाई से प्यार करती हैं। तो एक छोटी सी क्लिप बनाकर मेरी आईडी पे भेजिए, उनके साथ मैं कोलैब करूँगी और ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, धन्यवाद। आईडी तो बता दो आपकी। सियाज सियाज पुनिया का नाम। मेरी आईडी का नाम है सियाज पुनिया। इंस्टाग्राम विजेंद्र बोल रहे हैं। उन सबका तह दिल से आभार। और हमारे क्षेत्र की ही नहीं, मैं कहूंगी हरियाणा की आन बान शान, आज एक साथ दो दो बेटियों से, तीन तीन बेटियों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और पहले के समय में लोग कहते थे कि बेटियां जब आती है घर में तो लोग अफसोस मनाते थे, लेकिन अगर ऐसी ऐसी बेटियां एक एक की जगह दो दो भी दे दे तो परमात्मा शायद घर वाले एड़ियां उठा उठा के देखेंगे कि एक एक बेटी पड़ोसी के घर में, तो ऐसी ऐसी एक हमारे घर में भी होनी चाहिए। एक बार फिर से रीमन को बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक बार मैं पुनः रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सियाज ने जो रिक्वेस्ट की है वो मैं दोहराना चाहूंगी सभी बहनों से कि इतनी छोटी सी बच्ची जब इतना कुछ सोच सकती है तो आप लोगों को कितना सेकंड लगेगा, 30 सेकंड। वैसे भी तो आप कुत्ते बिल्ली बन बन के रील अपनी डालते रहते हैं इंस्टा में, तो एक अच्छा से मैसेज के साथ मेरी बात को अदरवाइज ना लें, क्योंकि ये हमारा ट्रेंड बना हुआ है। अभी हम गलत चीज़ों को देखते हैं और गलत चीज़ों को प्रमोट करते हैं, अच्छी चीज़ों को प्रमोट कम करते हैं। तो इस रील को आप बना करके और सियाज की आईडी पे सियाज पुनिया इंस्टाग्राम के ऊपर आप जरूर से जरूर इस बिटिया को टैग करें। देखिए, ये वो लोग हैं जो अपने व्यक्तिगत काम को छोड़ करके समाज के लिए लगे हुए हैं, और हम थोड़ा सा समय दे करके अगर इनका सहयोग करेंगे तो हमारा समाज जरूर बदले। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और रीमन बहन को लख लख बधाइयाँ। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब गांव से एक छोटी सी लड़की निकलती है तो उसको कितनी प्रेरणा मिलती है। आज हमारे समाज में अगर रीमन बहन की मैं बात लेकर चलती हूँ, समाज की नहीं, मैं पूरे हरियाणा की बात लेकर चलती हूँ, तो रीमन बहन ने कहीं भी इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जितने भी सोशल मीडिया पे है, हमेशा अच्छा कंटेंट डाला है। और जिस कंटेंट से आज लड़कियाँ इतने प्रेरित होती और प्रेरित हैं, और ये हमेशा लड़कियों के लिए प्रेरणा बन के रहेगी। और मैं ये बहन से यही रिक्वेस्ट करूंगी, आप हमेशा ऐसे ही अपने मन तन से लगे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज गांव खेदड़ की पावन पवित्र भूमि पर ऐसे अनेक समाज की प्रबुद्ध आत्माएं यहां खेदड़ की सरजमी पर है, और उसका एक कोई उद्देश्य लक्ष्य नहीं है, सिर्फ इस गांव की बेटी का जन्मदिन है जो रीमन नैन जी हमारे बीच में है, और आदरणीय गुरुजी शत्रुघ्न और हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर नशामुक्त की छोटी बिटिया सियाज पुनिया, सुदेश चहल जी और आदरणीय एमएस जादूगर भाई साहब, ऐसे अनुपहल जी खेदर से और रेणु जी सरपंच, ऐसी अनेक आत्माएं आज यहां इस स्थान पर है और पौधारोपण करके रीमन जी का जो जन्मदिन मनाएगा, एक अच्छा संदेश दिया है यहाँ काफ़ी लोगों ने। और मैं चाहता हूँ कि
जब भी किसी का कोई जन्मदिन हो या शादी हो हम उपहार देते हैं, उनको भेंट करते हैं। मेरी एक सोच है कि हम कहीं भी ऐसी जो कुछ चित्र भेंट करते हैं, कुछ भी भेंट करते हैं, लेकिन एक पौधा ऐसी चीज है जो इस प्रकृति के और मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ है। हमको किसी भी जन्मदिन पर या कोई भी उपहार कहीं देना है तो पौधा दे करके भी हम उसका एक भेंट स्वरूप अच्छा संदेश इस प्रकृति और इस वातावरण के लिए दे सकते हैं। और आज वो काम इन सब आत्माओं ने मिलकर इस खेदर की पावन पवित्र सरजमी पर किया है। और रिमन जी को बहुत बहुत मैं बधाई शुभकामनाएं देता हूं कि वो समाज में ऐसे ही हमारे युवा साथियों को और बहन बेटियों को छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से उनको प्रेरणा और मोटिवेशन करने का काम करती है। अनेक ऐसे हरियाणा प्रदेश में ऐसे स्थानों पर गई हैं जहाँ की कुछ बेटियों को और युवाओं को आगे आने के लिए प्रेरित किया है। और वो ऐसे ही समाज में अपना अग्रणीय स्थान बनाए रखें और हम सब साथी मिलकर उनका सहयोग करेंगे और हम सब एक साथ एकात्मकता के साथ आगे बढ़कर इस समाज के कल्याण के लिए अपनी भागीदारी भूमिका निभाएंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे लिए बड़ा खुशी का दिन है। रिमन बहन का आज बर्थडे है और बहुत दूर दूर से यहाँ हस्ती आई है। हमारी नशे की जो ब्रांड है बहुत अच्छा संदेश दिया और हमें यही सीखने की जरूरत है कि एक छोटी सी बच्ची हमें इतनी अच्छी बात करी पुनिया, तो हम बड़ों को ये बात समझ में नहीं आ रही। ये हमारे लिए दुर्भाग्य, हमारे समाज के लिए। और एक बात मैं रिमन के लिए कहना चाहूँगा, एक छोटे से गांव से और एक छोटी से ढाने से निकल के सारा हरियाणा, सारा भारत इनको जानता है। हम कहते हैं कि आदमी का बैकग्राउंड काम करता है, नहीं, आदमी का सामर्थ्य काम करता है। प्रभु जिसको भी जन्म देता है उसका सामर्थ्य लेके वो पैदा होता है। बहुत सी कोशिश इन छोटे जैसे जो पैदा होते हैं उनको दबाने की होती है, लेकिन इनका जो सामर्थ्य है यही भारत को, आसपास के क्षेत्र को एक उज्ज्वल भविष्य देगा। इन्हीं के शब्द, जय हिंद, जय भारत। राम राम जी, नमस्कार जी। मैं आपका अपना एम एस जादूगर, और बहुत ही खुशी की बात है कि हमारी बहन रिमन एन का हैप्पी वाला बर्थडे है। तो ये हंसती रहे, मुस्कुराती रहे, हमेशा ऐसे रहे, क्योंकि बहन जी से हमने ना बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखी है जो मैं बड़े बड़े मंचों पे बोलता हूँ। जो बहन जी की पोएम है उनके माध्यम से मैं संदेश देता हूँ। तो बहन जी ऐसे खुश रहे, हमेशा ऐसे आबाद रहे। सभी को प्रणाम। प्रणाम। जन्मदिन मुबारक हो के दे। जन्मदिन मुबारक उन्होंने कहता जी, मैं जन्मदिन बेटी तेरी जन्मदिन मुबारक हो। जिन दिनों बेटा ना ना सही है।